नमस्कार। अभी तक हमने किसी भी यादृच्छिक चर के अथवा अनेक यादृच्छिक चरों के वैशिष्ट्य फलनों को केवल एक फलन के रूप में देखा है अथवा कुछ ऐसे रूप में देखा है कि हम इसका कुछ अधिक प्रयोग नहीं कर सकते, वह केवल वहाँ बैठा रहता है। अब इस व्याख्यान में अथवा इस चर्चा में हम वैशिष्ट्य फलनों का एक विशेष प्रयोग देखेंगे एवं उनके द्वारा जनित एक विशिष्ट प्रायिकता घनत्व फलन की भी चर्चा करेंगे। हम यह जानते हैं कि गौसीय अथवा गौसियन यादृच्छिक चरों का किसी भी विशिष्ट प्राकृतिक संदर्भ को समझने में, किसी भी प्राकृतिक घटना को समझने में गौसीय यादृच्छिक चरों का एक विशेष प्रभाव रहता है, अथवा हम गौसीय यादृच्छिक चरों का प्रयोग करके बहुत से प्राकृतिक घटनाओं को समझ सकते हैं। इसीलिए कभी कभी हमारे पास गौसीय यादृच्छिक चरों के कुछ ऐसे फलन आ जाते हैं हम जिनके वैशिष्ट्य फलन ज्ञात करना चाहते हैं एवं हम यह चाहते हैं कि वे वैशिष्ट्य फलन हमें साधारणतः तो उपलब्ध हों। ऐसा ही एक वैशिष्ट्य फलन है एन गौसीय यादृच्छिक चरों के जोड़ का प्रायिकता घनत्व फलन। इसका प्रयोग अनेक स्थानों पर होता है। मूल रूप से इसका प्रयोग पीरियडोग्राम नामक तकनीक में होता है, जो कि किसी प्राकृतिक वस्तु की अथवा किसी संकेत में दबी हुई ऊर्जा को ज्ञात करने में सहायक होता है। पीरियडोग्राम संकेतों की ऊर्जा करता है एवं उस ऊर्जा के आधार पर उनकी उपस्थिति अथवा स्थिति का पीरियडोग्राम एक ऐसी तकनीक है जो यह करता है एवं इसका प्रयोग हम रेडार में करते हैं, इसका प्रयोग हम अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को समझने में करते हैं। अनेक प्रयोग हैं। तो उसी संदर्भ में यह पीरियडोग्राम के द्वारा जनित संख्याओं के घनत्व फलनों की आवश्यकता होती है, उसी संदर्भ में हम एन गौसियन यादृच्छिक चरों के जोड़ का घनत्व फलन देखेंगे। पीरियडोग्राम किस प्रकार काम करता है वह इस कोर्स से बाहर की बात है, उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। हम पीरियडोग्राम की समस्या को, पीरियडोग्राम के पीछे जो गणितीय आधार है उसको सरलीकृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमें n स्वतंत्र 0-1 बंटित यादृच्छिक चर दिए गए हैं जिन्हें हम Z1, Zn से प्रदर्शित करते हैं एवं x बराबर जोड़ i बराबर 1-n zi वर्ग का घनत्व फलन ज्ञात करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे? इससे पूर्व कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमें Z01 को समझना होगा अथवा इस यादृच्छिक चर की विशिष्टता हम देख सकते हैं एवं हम यह कहें y बराबर है जमा यू, तब हम कह सकते हैं सरल रूप से, क्योंकि एक गौसियन यादृच्छिक चर अब एक
गौसियन यादृच्छिक चर केवल और केवल अपने मध्यमान एवं प्रसरण द्वारा पूर्ण रूप से परिभाषित हो सकता है। हम यह देख चुके हैं कि गौसियन यादृच्छिक चर केवल और केवल अपने मध्यमान एवं प्रसरण से पूर्ण रूप से परिभाषित हो सकता है, अर्थात हम जानते हैं मध्यमान y बराबर है म्यू, प्रसरण y बराबर है सिग्मा वर्ग, अर्थात y बराबर है सिग्मा वर्ग, अर्थात यदि हमें z बंटित n शून्य एक दिया गया है तब हम इसका प्रयोग करके किसी भी मध्यमान एवं प्रसरण का गौसीय यादृच्छिक चर उत्पन्न कर सकते हैं। हम किसी भी मध्यमान एवं किसी भी प्रसरण का गौसीय यादृच्छिक चर उत्पन्न कर सकते हैं। यह अब मूल समस्या पर वापस लौटते हुए हमें दिया गया है कि z1 से zn मध्यमान शून्य एवं प्रसरण एक वाले गौसियन यादृच्छिक चर हैं x बराबर, अर्थात यह सभी स्वतंत्र भी हैं। यह जानना आवश्यक है कि यह सभी स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं, यह भी हमें दिया गया है स्वतंत्र z1 से zn एन जीरो एक स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं, अर्थात यह सभी स्वतंत्र एवं समरूप बंटित आई आई डी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आई आई डी यादृच्छिक चर हैं एवं हम x बराबर जेड एक वर्ग से जेड एन वर्ग का जोड़ इसका प्रायिकता घनत्व फलन ज्ञात करना चाहते हैं। अब यदि हम इसका प्रायिकता घनत्व फलन ज्ञात करना चाहते हैं, हम यह जानते हैं कि अब क्योंकि z1 से zn स्वतंत्र हैं, अर्थात x का प्रायिकता घनत्व फलन होगा यह कुंडलीकरण, यह कुंडलीकरण, सरलता के लिए हम कह देते हैं, मान लीजिए जेड आई वर्ग बराबर है वाई आई, अर्थात एफ एक्स एक्स बराबर है एक वाई एक एफ वाई एन वाई। यह कुंडलीकरण। अब यदि हम इन सभी का आघूर्णजनक फलन ले लें, यही प्रक्रिया हम वैशिष्ट्य फलन द्वारा भी कर सकते हैं, किंतु आघूर्णजनक फलन का प्रयोग करके यह प्रक्रिया थोड़ी सी सरल होगी, इसलिए हम आघूर्णजनक फलन की बात करेंगे। यदि हम इसका आघूर्णजनक फलन ले लें तब दोनों ओर आघूर्णजनक फलन देते हुए एस बराबर है फाइव वाई एक एस y y n s, क्योंकि यह समरूप बंटित है इसलिए phi x s बराबर है phi y s घात n, phi x s बराबर है phi y s घात n। यह अब हम phi y s ज्ञात, अब हम फाइव वाई एस ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं एफ जेड जेड बराबर है
दो पाई वर्गमूल जेड वर्ग बटे दो, यह हम जानते हैं। अब वाई बराबर जेड वर्ग रखते हुए हम जानते हैं जेड बराबर है एवं यह, अर्थात एफ वाई वाई बराबर है दो वर्गमूल वाई वाई एफ यह, यह बराबर है वाई बटे दो जमा वाई बटे दो यू वाई, यह बराबर है यू वाई, जहां यू एकक चरण फलन है जिसकी परिभाषा हम पहले दे चुके हैं एवं जिस पर हम पहले विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। यह प्रायिकता घनत्व फलन स्वातंत्र कोटि कोटि एक के काई वर्ग अथवा काई स्क्वायर यादृच्छिक चर का घनत्व फलन है, यह इसका प्रायिकता घनत्व फलन है। साधारणतः हम स्वतंत्र कोटि n का कोटि n का काई वर्ग अथवा काई स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का अनुवाद होता है स्वातंत्र कोटि n, अर्थात हम इसे स्वातंत्र कोटि n का काई वर्ग यादृच्छिक चर कहते हैं, उसका घनत्व फलन हम इस प्रकार लिखते हैं एफ वाई वाई बराबर है एक बटे दो एन बटे दो गामा एन बटे दो माइनस एक वाई बटे दो यू वाई, यह यहाँ गामा गामा फलन है जिसे हम पहले परिभाषित कर चुके हैं कि एक बराबर है एन गुणा गामा एन एवं इसी प्रकार गामा एन जमा आधा बराबर है गामा एन जमा गामा आधा जो कि बराबर है एन माइनस एक गुणाक्रम एवं गामा आधा गामा, यह आपके गणित के किसी कोर्स में होगा, हम यहाँ नहीं सिद्ध करेंगे। आप समाकलन द्वारा यह सिद्ध कर सकते हैं किंतु वह इस कोर्स में नहीं आता है कि इसलिए हम इसे यहाँ सिद्ध नहीं करेंगे। अब वापस लौटते हुए हमारा जो मौजूदा वाई था यह वाई यह एवं वाई बटे दो यह क्यू वाई, इसका प्रयोग एफ वाई वाई यह है लैपलास परिवर्तनों की तालिका लैपलास परिवर्तनों की तालिका का प्रयोग करते हुए हम लिख सकते हैं वाई वाई एस बराबर है वर्गमूल एक माइनस दो एस, यह फाई वाई एस यह है एवं फाई एक्स एस बराबर है फाई वाई एस घात एन बराबर है एक बट एक घटा दो एस
घात एन बटे दो। पुनः लैपलास परिवर्तन तालिका का प्रयोग करते हुए बराबर है दो एन बटे दो गामा एन बटे दो वाई एन बटे दो माइनस आधा बटे दो यू वाई, यह जो कि साधारण रूप से एन स्वतंत्र कोटि का, अच्छा स्वतंत्र कोटि एन का काई वर्ग यादृच्छिक चर है। अब यहाँ विशेष बात यह है कि यदि हमें इस सूत्र का अथवा इस परिणाम का प्रयोग करते हुए यदि हमें स्वतंत्र कोटि एन एवं एम के दो काई स्क्वायर यादृच्छिक चर दिए गए हैं तब उनका जोड़ n जमा m का काई वर्ग यादृच्छिक चर होगा। यह इस पूरी चर्चा का मूल विषय था। इसी के साथ यादृच्छिक सादिशों एवं अनेक यादृच्छिक चरों की हमारी चर्चा का एक भाग समाप्त होता है। अब तक हमने वह स्थान देखा था जहाँ पर हमारे पास गणनीय और अथवा हमारे पास केवल n ही यादृच्छिक चरों के समूह का हम एक सादिश बनाते हैं। आगे चलकर हम अनेक यादृच्छिक चरों के, जो कि यह आवश्यक नहीं है कि वे सीमित हों, ऐसे यादृच्छिक सादिशों एवं जिन्हें हम यादृच्छिक अनुक्रम भी कह सकते हैं, उनकी ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।